pandemic almost aisa lag raha hai ki khatam ho raha hai, we don't know still. Absolutely. Kaisa lag raha hai aapko, our industry is getting back? यू सी फिल्म इंडस्ट्री ही यानी लास्ट 7-8 महीने से हम लोग समझ नहीं आ रहा बेचारे कैसे चल रहा है मामला, लेकिन अब हिम्मत दिखा के लोग रिलीज़ करना स्टार्ट कर रहे हैं. आई थिंक टेनेंट ने भी बहुत अच्छा किया है, वंडर वुमन आ रही है और मुझे लगता है ये फिल्म तो एब्सोल्युटली बॉलीवुड टाइप की फिल्म है. एंड आई लव दिस सॉन्ग सयोनी, जो गाना है वो मतलब मेरा एक ज़माने का फेवरेट गाना है एंड उसे वापस सुनने में बहुत मज़ा आता है. थोड़ा इन्हें चेंज किया है वो गाना, लेकिन फिर भी माइंड ब्लोइंग बना है. एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट फिल्म्स आर बैक. बहुत ज़रूरी है इंडिया में, एक एंटरटेनमेंट का आई थिंक सबसे बड़ा जरिया फिल्म्स है. एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि फिल्में थिएटर में फिर से लगने लग रही हैं. मेरा बड़ा दिल था टेनेंट जाके देखूं, लेकिन उससे पहले मैंने देख ली और अब मैं वंडर वुमन जाके देखूंगा और ये भी देखूंगा. तो थिएटर में भी आप मैसेज देना चाहेंगे सबको भी थिएटर जाके फिल्म देखिए? एब्सोल्युटली. आपको समझना पड़ेगा कि प्लीज़ ज़्यादा इससे आप डरे मत, जो बहुत डर रहे हैं आई थिंक उनको ही ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है. इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखें और थोड़ी स्टीम ज़रूर लें. जब तक इसका वैक्सीन नहीं आता, वैक्सीन भी आ ही गए हैं, 5-6 आ गए हैं, समझ नहीं आ रहा कौन सा वाला किसको लगेगा, लेकिन बी स्ट्रॉन्ग एंड डोंट गेट अफ्रेड. जैसे हमें वायरल होता था वैसे ही कोविड है. सर, अभी मिका भी आने वाले थे लेकिन अभी आ नहीं पाए, तो अमिका का जो कमेंट है कंगना को लेकर उसका क्या कहना चाहेंगे? वो दिलजीत को सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट करना भी चाहिए, हर कोई कर रहा है उनको, लेकिन कंगना का जो बेसलेस कमेंट्स है, मतलब जो रिवॉल्यूशन कर रहे हैं. हाँ नहीं, आपको समझना पड़ेगा कंगना कभी कभी उनकी ट्वीट्स बहुत ही खतरनाक हो जाती हैं और वो सोचती हैं कि वो सही चल रही हैं, लेकिन हमें गलत लग सकता है और इस बार दलजीत को गलत लगा है. दलजीत की पहली फिल्म मेरे साथ थी लायन ऑफ पंजाब और तभी मुझे दिख रहा था इसमें बहुत फायर है. उसने ट्वीट में भी दिखा दिया कि बहुत फायर है. एंड आपको समझना पड़ेगा हम पंजाबी हैं और हमें लगता है कि फार्मर्स के साथ अगर कुछ रॉन्ग हो रहा है तो हम उन्हें सपोर्ट करें, तो हम सपोर्ट करते हैं. लेकिन हमें लगता है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर भी बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ हिस्ट्री, जब से हम पैदा हुए हैं तब से मोदी जी जैसा हमने देखा नहीं. तो बड़ा कन्फ्यूजन है कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं. तो हम चाहते हैं कि मोदी जी इसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दें, बिकॉज बहुत प्रॉब्लम्स हैं हमारे देश के अंदर. जिस तरीके से पहले फार्मर्स सुसाइड करते जा रहे हैं तो दे आर नॉट वेरी हैप्पी. तो मोदी जी ऐसा काम करके दिखाएंगे कि कभी सुसाइड ना हो, हमें पता है. लेकिन ये जो प्रॉब्लम है जो दिल्ली तक पहुंच गई है, इसे जल्द से जल्द खत्म किया जाए. सर, ये भी कहना चाहूँगा कि जो सेलिब्रिटी कमेंट करते हैं ट्विटर वॉर जो है, टग ऑफ वॉर कर सकते हैं या सैटेलाइट चैनल्स पे, मतलब इस तरह का, तो ये अगर सपोर्ट करना है या नहीं करना वो आप साइलेंटली भी कर सकते हैं, तो इसके बारे में बताइए कि जरूरी थोड़ी है कि आप सोशल मीडिया पे या चैनल्स पे आके बोल रहे हैं कोई. नहीं, आपको समझना पड़ेगा क्या होता है कि जब इन्फॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन मिल जाती है किसी को तो वो ट्वीट कर देते हैं, फिर उन्हें करेक्ट करता है तो बात कभी कभी बढ़ जाती है. तो ये बढ़ गई है बात. तो ऐसी बात जब बढ़ जाती है तो उसमें कई लोग घी भी डालते हैं. हमारे इंडिया की सेइंग है कि घी डाल दो थोड़ा और, तो वो इस फिर घी और भड़क जाता है. तो हम ऐसे काम नहीं करते, कोशिश करते हैं कि ऐसे चीज़ के अंदर आग ना डालें. इसीलिए हम चाहते हैं बस कि फार्मर्स और गवर्नमेंट दोनों एक पेज पर आके ये सेटल हो जाए. बहुत इंडिया के अंदर चीटिंग है, आपको समझना पड़ेगा. वही मोदी जी सारी चीटिंग रोकने की ट्राई करते हैं. तो एक ट्रक है 35 टन का आता है और वहाँ जैसे गवर्नमेंट के गोडाउन में जाता है तो 50 टन हो जाता है. फार्मा के लिए 30 टन मिलता है, 20 टन कहाँ जाता है? वो कोशिश है ये जो गुल हो जाता है माल उसको रोकने की. सर, तो वन मोर थिंग, आई मीन बिग बॉस की भी बात कर रहे हैं कि अभी बिग बॉस का जो सेशन जो चल रहा है अभी, आप देखिए जब शुरुआत हुई थी अभी हिस्सा रह चुके हैं, तो इनिशियली सेलिब्रिटी से स्टार्ट हुआ, फिर कॉमन पीपल के लिए भी, फिर बहुत एवरेज लोगों के लिए भी. हाँ. और जिस तरह का मतलब इक्वेशन है जो लोग अंदर हैं उस हाउस में, उसके अंदर देखिए आप कितना ज़्यादा समय डिटोरेट हुआ है, भी नहीं है कुछ खास. आपको समझना पड़ेगा लास्ट ईयर बहुत बड़ा सुपर डुपर हिट बिग बॉस चला है. सिद्धार्थ और सना ने और बाकी सब ने जितने भी लोग थे, आई थिंक बहुत सुपर हिट सीजन 13 दिया और बहुत लंबा खींच दिया. बिग बॉस की यानी कैश बैंक बहुत बढ़ रहा था, उनको दिल कर रहा था ख़त्म ही ना हो, 5-6 महीने लगा दिए. तो उसके बाद फिर से बिग बॉस आना एक बहुत ही हार्ड चीज़ थी, लेकिन वो सिद्धार्थ को वापस ले आए, गौहर और हीना को लाए तो स्टार्ट अच्छा हो गया. पर उसके बाद ये लोग आई थिंक थोड़ा सा भटक गए हैं, बहक गए हैं, कुछ अलग ही टाइप का बिग बॉस चला रहे हैं. तो मेरे जैसा आदमी भी देख नहीं पा रहा और दिल नहीं कर रहा कि बिग बॉस देखना ही है. मैंने हमेशा ज़िंदगी में बिग बॉस ऐसे देखा है कि एक भी एपिसोड छोड़ता नहीं, पर इस बार दे फेल्ड अकॉर्डिंग टू मी. लेकिन क्या रॉन्ग हुआ है, क्या चेंजेस हुए हैं, आई डोंट नो. जो टीम है वो तो वही आंसर कर सकती है, दे शुड बी सैक्ड जिसने भी ये साल का बिग बॉस चलाया है. हम भाई देखो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ चलता रहता है हमारे तरफ से. कभी अयोध्या जाके रामलीला कभी कर, कुछ का कुछ चलता रहता है. जब ऊपर वाला जो काम देता है हम लोग तो कर लेते हैं. पर अभी फिलहाल तो बीवी का है, सब लोगों को नेल पॉलिश लगाती जा रही है, ब्लू स्काई करती जा रही है.
और पिछले चल रही हैं दो पंजाबी, एक नानक नाम जहाज है और एक निडर, तो दो ये पिक्चर चल रही है। एक हिंदी पिक्चर भी करने जा रहे हैं अभी, एक कल परसों में मेरा वो आएगा क्या उसको, सावधान इंडिया, तो कुछ ना कुछ चलता रहता है।